हेलो बच्चों, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। देखो, ऐसा है, सीबीएसई वालों ने सिलेबस जो चेंज किया है 2023 के लिए, उसका पूरा का पूरा एक पीडीएफ फाइल आई है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। खास करके 11th के बच्चे, जो 10th में नन्हे बच्चे, जो बेचारे मुझे लगता है कि कभी आने वाले मतलब पिछले 2 साल के अंदर वो बेचारे पेन पेंसिल काफ़ी यूज किए होंगे, तो उनका जो सिलेबस आया है वो बिल्कुल रिवाइज होकर के आया है बच्चे। वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखो, इसमें है केमिस्ट्री में जो करना आपको, केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है? जिसमें एक केमिस्ट्री का है, एक केमिस्ट्री का कोड होता है बेटे, भी आप लोग समझ लो केमिस्ट्री का कोड कितना होता है, 043। अब जो सिलेबस है वो क्या करना, देखिए इसमें कौन कौन से सिलेबस हैं केमिस्ट्री में आपको। देखो, आओगे थोड़ी सी थोड़े से पेशेंस के साथ, आप अगर काम करोगे बेटे तो आपको आउटपुट बढ़िया मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? और देखिए, पहले बेटे ना देखो, जैसे यहाँ पे जो चैप्टर्स आने वाले हैं आपके सिलेबस में है, सम बेसिक कंसेप्ट, ये कहने के लिए बेसिक कंसेप्ट है, बट आपको इस पर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये समझ लीजिए आपको आने वाले चैप्टर्स में कैलकुलेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है, जो कि आपको बहुत जरूरी है। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, ये फर्स्ट 4 चैप्टर जो थे ये तो डिलीटेड नहीं है, ठीक है? अब देखो, इसके बाद इसके पहले सिलेबस में होता था स्टेट्स ऑफ मैटर, जो सीबीएसई ने उसको हटा दिया है। तो चैप्टर कौन सा हटा बेटे, स्टेट्स ऑफ मैटर हट गया है। फिर देखो, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, मतलब पहली बुक से सिर्फ एक चैप्टर हटा, कौन सा, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर हटा, ठीक है? और हाँ, और बाकी देखो, इसके बाद जो आप आओगे रिडॉक्स रिएक्शन और फिर ऑर्गेनिक दे दिए हैं और हाइड्रोकार्बन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन जो है दूसरी बुक से काफ़ी चैप्टर डिलीटेड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये 3 चैप्टर दूसरी बुक से, और इन्वायरमेंटल 4 चैप्टर दूसरी बुक से डिलीटेड हैं, और आपका 1 चैप्टर जो है वो डिलीटेड है कहाँ से, पहले बुक, मतलब 5 चैप्टर सीबीएसई वालों ने 11th के बच्चों को रिलैक्स दिया, हटा दिया, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें वो भी चैप्टर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि जेईई या नीट का जो पेपर होगा उनमें इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग उन चैप्टर्स को भी बुक लेकर के उसको भी आप पढ़ोगे अच्छी तरह से, ठीक है? तो देखो, ये हो गया हमारा। अब बेटे देखो, इसमें जो है ना, जो हमें चैप्टर करना है, ये सम बेसिक कंसेप्ट मान लो करना है, इसमें देखो टोटल A to Z देखते हैं कोई कौन कौन सा पोर्शन डिलीटेड है, कौन कौन सा नहीं है। तो इसमें डाल्टन्स, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज, इंपेरिकल फार्मूला, इसमें मुझे कहीं पर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि चलो एनी वे होता है, लेकिन तो पार्ट उसका है, बिना उसकी काम कहाँ चलेगा। तो आप सम बेसिक कंसेप्ट में लगभग मोरालिस सारे कंटेंट वही हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखिए डिस्कवर, हाँ पहले सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो हटाया गया था, इस बात उन्होंने लग रहा है इसमें दे दिया है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, थॉमसन मॉडल, लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल, कंसेप्ट ऑफ सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, ड्यूअल मेटल, हिंसबर्ग, हाइजर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑर्बिटल, एस पी डी एफ के शेप, हुंड्स रूल, अबाउ प्रिंसिपल, पाउलिस प्रिंसिपल, ये सारे हैं। तो चैप्टर 2 में सारे टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किए हैं। सिमिलरली मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ये है आपका, अगर ये देखो ये चैप्टर पता है क्या है, आप ये देखने में थोड़ा कूजी लगेगा लेकिन ये हर चैप्टर में इम्प्लीमेंट होगा, ये और केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर जो है ये समझ लीजिए कि पूरी केमिस्ट्री के, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, इवन फिजिकल भी, ये बैकबोन है। आपको प्रायोरिक टेबल याद करना पड़ेगा और उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह तो सबको कराया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? तो ये इनमें भी मोरालिस आपके सारे टॉपिक्स हैं, उसमें कोई दिक्कत है, ठीक है? बाकी आ जाओगे आप थर्मोडायनामिक्स, सारे टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ डिलीटेड नहीं है, इक्विलिब्रियम, ठीक है? देखो हाँ, इक्विलिब्रियम में उन्होंने क्या किया भाई, एक एक्स्ट्रा टॉपिक डाल दिया, देखिए बफर सोल्यूशन, हंड्रेड परसेंट सॉलिबिलिटी है। हाइड्रोलिसिस पहले के सिलेबस में हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने बफर सोल्यूशन, हंड्रेड क्वेश्चन, ये सब डाल दिया है, ठीक है? सॉलिडिटी पर पहले हुआ करता था, 2 टॉपिक्स में एक्स्ट्रा दिया गया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और हंड्रेड क्वेश्चन, जो कि मतलब पहले सीबीएसई वाले नहीं कराते थे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इसके बाद, अब आ जाओ भाई यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में लगभग सब कुछ कराया जाता था, उसमें कोई दिक्कत है ना, ठीक है? अब आ जाइए इसके बाद ऑर्गेनिक, भाई ऑर्गेनिक वाले तो भी एकदम बल्ले बल्ले, ऑर्गेनिक में किसी टाइप का कोई चैप्टर कहीं भी डिलीटेड नहीं है, सिर्फ सीबीएसई वालों ने सिर्फ ऑर्गेनिक का, मुझे लग रहा है भाई ये सिलेबस बनाने वाला
टीचर जो होगा ऑर्गेनिक कर रहा होगा वो। ऑर्गेनिक में एक भी टॉपिक चाहे इलेवंथ हो चाहे ट्वेल्थ हो कहीं भी कुछ डिलीटेड नहीं है, तो आप लोग ऑर्गेनिक बिल्कुल रेस्ट होकर के पढ़ सकते हो। फिजिकल में डिलीट किया गया है। इन ऑर्गेनिक के साथ ही बहुत ही नाइंसाफी की है, काफ़ी पोर्शन डिलीटेड है। इलेवंथ का पूरा इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक हटा दिया गया है और ट्वेल्थ में पी ब्लॉक हटा दिया गया है। तो चलो एनीवे आप लोग अब आओगे इलेवंथ के बच्चे आपके नए सेशन के लिए पहले से मैं वेलकम कर रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और आपका ये जो प्रैक्टिकल होता है स्कूलों में वही कहानी जो वहाँ पर प्रैक्टिकल हम लेते हैं, टेक्सचर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सॉल्ट एनालिसिस कंटेंट बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क के सारा काम किया जाएगा। और बाकी ये सब तो अभी स्कूल में करोगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हेल्प कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप आकर के नई एनर्जी के साथ नए पोटेंशियल के साथ, ठीक है, आइए आप मेहनत करो, आपसे ज़्यादा मेहनत हम करेंगे। चलिए थैंक यू।